दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिला है। बता दें दिल्ली में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बता दें शास्त्री भवन समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। लोगों को गर्मी से हालांकि राहत मिल गई है, बारिश से मौसम भी सुहावना हो गया है। लगातार आपको बता दें जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि मौसम में कहीं ना कहीं बदलावट देखने को मिली है। तो अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है और बारिश होने की वजह से गर्मी से लोगों ने निजात पाई है, क्योंकि गर्मी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। शास्त्री भवन समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। आपको बता दें शास्त्री भवन में भी बारिश हुई है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, गर्मी से निजात लोगों ने पाई है और बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया है। तो आपको बता दें दिल्ली से खबर बता रहे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। कई इलाकों में बारिश हुई है, शास्त्री भवन में भी बारिश हुई और उसी के समेत दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हुई है। बता दें लगातार अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब बारिश होने की वजह से लोगों ने निजात पाई है, जो गर्मी का स्तर है वो भी कम हो गया है, ठंडक बढ़ गई है और मौसम में बदलाव होने की वजह से बारिश होने की वजह से मौसम सुहावना हुआ है, तो लोगों को राहत है गर्मी से। बता दें मौसम के इस बदलते मिजाज में हरियाणा से भी खबर आ रही है जहां पर मौसम ने मिजाज बदला है। हरियाणा के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, यानी कि गर्मी से निजात लोगों को मिली है। अगर हरियाणा की भी बात कर ली जाए तो रोहतक, सोनीपत, भिवानी में जमकर बारिश हुई है। खबर हरियाणा से आ रही है, हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है और सुबह से ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि लगातार गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा था और लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफी धूप होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से सड़कें खाली नजर आने लगी थी। लेकिन अब बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं राहत मिली है। हरियाणा में भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार मौसम का मिजाज इलाकों में बदलता नजर आ रहा है। इससे पहले दिल्ली की भी हमने बात की, दिल्ली में भी बारिश हुई। अब अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चरखी दादरी, कैथल, हांसी, कन्नौर और रोहतक की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश हुई। आप देख सकते हैं काफी बारिश देखने को मिल रही है, सड़कों पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में बारिश हुई होगी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि गर्मी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम में बदलाव होने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, गर्मी से राहत मिली है। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां पे हरियाणा में बारिश हुई है, चरखी दादरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, चरखी दादरी में भी बारिश हुई है और कैथल की तस्वीरें हैं आपके सामने, हांसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हांसी में भी काफी भारी मात्रा में बारिश हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से सड़कों में पानी जाम है, पानी रुका हुआ है, उससे अंदाजा लगा सकता है कि काफी बारिश हुई होगी। और गन्नौर और साथ ही रोहतक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, गन्नौर रोहतक में भी बारिश हुई है, मौसम ने मिजाज बदला है। हालांकि लोगों को भी काफ़ी राहत मिली है, अब इतनी मुश्किल नहीं होगा लोगों का घर से बाहर निकलना, क्योंकि धूप और गर्मी की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बारिश की वजह से बदलाव हुआ है, गर्मी से भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिली है। बता दें लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि कई अन्य इलाकों में भी बारिश हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिल्ली से भी खबर बताई जहां पर दिल्ली में भी कई इलाकों में बारिश हुई है और हरियाणा की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लगातार मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। हालांकि इसकी वजह से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में अगर बारिश की बात कर ली जाए तो ओलावृष्टि भी कई इलाकों
इलाकों में हुई है, चाहे फिर अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि किसानों को उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से जहां राहत है तो वहां पर नुकसान भी जरूर हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतक से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, तो उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से किन किन इलाकों में बारिश हुई और किस तरह का मौसम है। जी सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे मौसम का मिजाज बदला है, क्या रुख है? जी देखिए, सुबह करीब 6:30 बजे से जो आसमान में बादल छाए हुए थे और लगातार सुबह 6:30 बजे से वहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी बारिश हो रही है और आसमान में बिजली कड़कड़ा रही है और लगातार जिस तरह से तेज आंधी के साथ जो बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है और जिससे सड़कों में पानी ठहराव हो गया है, जिससे जो कह सकते हैं कि नालियों में की साफ सफाई न होने की वजह से एक समस्या बन गई है। लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश हो रही है और लगातार अभी मौसम विभाग के अनुसार आज बताया गया कि जिस तरह से लगातार आज बारिश होगी और जिसे प्रशासन ने भी जो एक कह सकते हैं अलर्ट रखते हुए सभी जो जिले भर की जो बिजली है उस सप्लाई है उसको बंद किया हुआ है। और बात करें गर्मी की, 2-3 दिन से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया था और इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जो बारिश सुबह हुई है उससे कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, जो स्कूल में बच्चे गए उन्हें दिक्कत हुई है, जो कार्यालय अपने ऑफिस में जाते हैं उन्हें भी कार्यालय में देरी से पहुंचने में उन्हें भी समय लगा है। और अभी जिस तरह से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए ज्यादा नुकसान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है पक चुकी है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि जो गोदामों में रखा गेहूं खुले में है वो भीग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से जो वहाँ पे अभी इंतजाम नहीं किए गए हैं तो कहीं ना कहीं अभी गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल मंडियों में से उठकर जो एफर्ट है जो दूसरे गोदाम है वहाँ पे रखवा दिया गया है, लेकिन जो आसमान में खुला रखा हुआ अभी गेहूं वो भीग रहा है। जी सुरेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है दिक्कतें जरूर बढ़ी है, लेकिन स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है कि एकदम से मौसम में बदलाव हुआ और क्या राहत है लोगों को? सुरेंद्र जी, जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोगों से हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि 2-3 दिन से बहुत ही गर्मी थी और उसके कारण वो काफी परेशान थे, लेकिन जो आज बारिश हो रही है उससे काफी उनको राहत मिली है। वो पहाड़ी इलाकों में जाने का मन बना चुके थे लेकिन जिस तरह से अभी बारिश हुई है तो लगता है कि यही पहाड़ी इलाका जैसा मौसम हो गया है, तो अभी लोगों ने मन कह सकते हैं कि पहाड़ों इलाकों में जाने का जो निर्णय था वो टाल दिया है। लेकिन जो जिस तरह से अभी बारिश हो रही है लगातार अभी भी बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों एक बड़ी राहत जरूर मिली है गर्मी से। जी सुरेंद्र जी, जिस तरह आपने कहा कि बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी जम गया है, तो सुरेंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजाम इसके लिए किए गए, क्योंकि अब बच्चे हैं उनको स्कूल जरूर जाना है, तो किस तरह से इस दिक्कत का निपटारा किया जा रहा है? सुरेंद्र जी, जी बिल्कुल, 6:30 बजे जैसे ही बारिश शुरू हुई तो काफी तेज बारिश थी और जो स्कूल समय होता है वो करीब 7 बजे से 7:30 बजे का होता है, उसी दौरान बहुत तेज बारिश हुई थी तो स्कूल के जाने वाले बच्चे काफी भीग रहे थे और उसके जो एक दो बच्चा छाता लेकर भी स्कूल जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो बसें भी देरी से समय वहां नहीं पहुंची तो जो बच्चे थे वो बारिश में भीग कर स्कूल की बसों में पहुंचे हैं और साथ में जो ऑफिस जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी देरी हुई है, क्योंकि सुबह जब बारिश हुई तो जो उनके जो आने जाने का समय था वो उसमें काफी देरी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें लगातार मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, काफी बारिश हरियाणा के भी कई इलाकों में हुई है, हालांकि ये भी स्थानीय लोगों का मानना है कि राहत जरूर गर्मी से मिली है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ गई है क्योंकि बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी जाम हो गया और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि कोशिश ये भी की गई है कि बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंच जाएं, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए हालांकि तैयारियां भी की गई है, बच्चों के लिए छाते का प्रबंध किया गया है और स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार है, लेकिन परेशानी जरूर बढ़ी है, लेकिन गर्मी से भी राहत जरूर लोगों को मिली है।